हेलो फ्रेंड्स मैं हूं गुर्जर प्रोग्रामिंग वेब डेवलपमेंट डेवलपमेंट मोबाइल एप्लीकेशन एंड सिर्फ दो ही टाइप के डेटा होते हैं एक टाइप है हमारा न्यूमेरिक टाइप एंड सेकेंड टाइप है कैरेक्टर टाइप तो न्यूमेरिक टाइप में क्या होता है न्यूमेरिक टाइप में जीरो टू नाइन मतलब हमारे जो भी नंबर है वो न्यूमेरिक टाइप है ठीक है और कैरेक्टर टाइप कैरेक्टर में जीरो टू नाइन के अलावा जो भी कैरेक्टर्स है कीबोर्ड के अंदर जो भी सिंबल्स है वो सारे कैरेक्टर्स है नंबर के अंदर न्यूमेरिक के अंदर फिर और दो वेराइटी है एक है फुल वैल्यू एंड एक है फ्रैक्शन वैल्यू फुल वैल्यू मीन्स जिसके अंदर पॉइंट वाली वैल्यू नहीं है एज एन एग्जाम्पल सपोज वन थाउजेंड फाइव थाउजेंड 23,500 या वॉट एंड देन फ्रैक्शन वैल्यू मीन्स पॉइंट के साथ जो वैल्यू है एज एन एग्जांपल टू पॉइंट फाइव टू हंड्रेड पॉइंट ट्वेंटी फाइव नाइन पॉइंट फोर वॉट कुछ भी ठीक है तो न्यूमेरिक के अंदर सिर्फ दो वेरिएशन है एक फुल वैल्यू एंड एक फ्रैक्शन वैल्यू अब देखते हैं कैरेक्टर तो कैरेक्टर के अंदर भी दो वेराइटी है एक है सिंगल कैरेक्टर एंड एक मल्टीपल कैरेक्टर तो सिंगल कैरेक्टर यानी कोई भी कैरेक्टर सपोज एम है जेड है कोई सिंबल है वो भी कैरेक्टर ही है ठीक है लेकिन एक रूल याद रखना है आपको कि जो भी कैरेक्टर की वैल्यू है वो वैल्यू हमेशा सिंगल कोटेशन के अंदर नोटिफाई किया जाता है तो जब हम प्रोग्राम में भी यूज करेंगे कोई सिंगल कैरेक्टर की वैल्यू तो हमेशा उसको सिंगल कोटेशन के साथ ही यूज करेंगे मल्टीपल कैरेक्टर यानी सपोज हमारा पूरा नाम है मानव महेश एक नाम है सपोज इंडिया तो इसके अंदर मल्टीपल कैरेक्टर है तो मल्टीपल कैरेक्टर जो है वो हमेशा डबल कोटेशन के अंदर लिखा जाता है तो बेसिकली हमारे पास दो टाइप के डेटा है न्यूमेरिक टाइप कैरेक्टर टाइप न्यूमेरिक के अंदर भी दो वेरिएशन फुल वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू क्टर के अंदर भी दो वेरिएशन सिंगल कैरेक्टर एंड मल्टीपल कैरेक्टर तो ये जो फुल वैल्यू है फुल वैल्यू के लिए जो डेटा टाइप है उसका नाम डिसाइड किया गया है इंटीजर हम बोलने के लिए इंटीजर बोलते हैं लेकिन स्पेलिंग में शॉर्टकट है आई एन टी ठीक है फ्रैक्शन फ्रैक्शन यानी पॉइंट वाली वैल्यू के लिए दो डेटा टाइप है एक डेटा टाइप का नाम है फ्लोट एफ एल ओ ए टी और फ्रैक्शन वैल्यू के लिए दूसरा डेटा टाइप है डबल डी ओ यू बी तो न्यूमेरिक के लिए हमारे पास तीन डेटा टाइप हो गए एक इंटीजर डेटा टाइप एंड फ्रैक्शन वैल्यू के लिए फ्लोट एंड डबल अब कैरेक्टर कैरेक्टर के अंदर ये जो सिंगल कैरेक्टर है सिंगल कैरेक्टर के लिए जो डेटा डेटा टाइप टाइप है है उस का नाम कैरेक्टर बोलने के लिए हम कैरेक्टर बोलते हैं लेकिन वो डेटा टाइप का जो स्पेलिंग है वो शॉर्ट फॉर्म में है सी एच ए आर अभी ये जो मल्टीपल कैरेक्टर है वो पूरा कंसेप्ट अलग है वो जब कंसेप्ट आएगा तब उसके बारे में डिटेल्स में देखेंगे तो चलिए हमारे पास ये चार डेटा टाइप हो गए इंटीजर फ्लोट डबल एंड कैरेक्टर और ये जो चार डेटा टाइप है वो सी प्रोग्रामिंग के बेसिक डेटा टाइप है तो आपको कोई पूछे कि सी प्रोग्रामिंग के बेसिक डेटा टाइप कितने हैं तो आपका जवाब होना चाहिए चार कौन से कौन से हैं तो इंटीजर फ्लोट डबल एंड कैरेक्टर ठीक है नेक्स्ट टॉपिक है क्या है कन्वर्जन कैरेक्टर तो कन्वर्जन कैरेक्टर का मेन पर्पस क्या है टू डिस्प्ले वैल्यू इन वेरिएबल लास्ट सेशन में हमने देखा था वेरिएबल वेरिएबल कौन से के लिए यूज होता है वैल्यू को स्टोर करने के लिए अब वो जो वैल्यू है उस वैल्यू को अगर डिस्प्ले करना है आउटपुट में तो हमें कन्वर्जन कैरेक्टर के कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ेगा तो हर एक डेटा टाइप का कन्वर्जन कैरेक्टर अलग अलग है वो आपको याद रखना है तो यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया है जिसमें बेसिक डेटा टाइप मेमोरी साइज एंड कन्वर्जन कैरेक्टर तो चलिए फर्स्ट डेटा टाइप कौन सा है हमारा इंटीजर तो इंटीजर डेटा टाइप की जो मेमोरी साइज है वो मेमोरी साइज है टू बाइट्स ठीक है ये जो साइज है है वो बाइट्स के अंदर टू बाइट्स और ये जो मेमोरी साइज है वो मैं टर्बो सी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं अलग अलग वेरिएशन वाले जो सी है उसमें अलग अलग मेमोरी साइज हो सकती है ठीक है और इंटीजर का जो कन्वर्जन कैरेक्टर है वो परसेंटेज डी है ये आपको याद रखना है जैसे जैसे हम प्रोग्राम्स बनाएंगे डे टू डे प्रैक्टिस करेंगे तो याद रह जाएगा नेक्स्ट तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे डिनोट किया गया है परसेंटेज एफ ठीक है नेक्स्ट डेटा टाइप डबल तो डबल की जो साइज है वो है आठ बाइट्स 8 इसका conversion character जो है वो उसके फर्स्ट लेटर के हिसाब से नहीं दिया गया क्योंकि percentage D already integer के लिए use हो चुका है है तो तो का क्या ऐसा क्यों इसको समझने के लिए मानो कि ये हमारी फ्लोट डेटा टाइप की रेंज है ठीक है मान लो कि ये इतनी रेंज है वो फ्लोट डेटा टाइप की है तो डबल डेटा टाइप की रेंज इससे ज्यादा है तो डबल की रेंज में इंटरनली क्या हुआ इंटरनली फ्लोट से लॉन्ग हुआ तो इंटरनली इसका मतलब यह होता है लॉन्ग फ्लोट इसलिए इसका कन्वर्जन कैरेक्टर आया लॉन्ग का एल एंड फ्लोट का एफ मींस परसेंटेज एल एफ ठीक है नेक्स्ट डेटा टाइप कैरेक्टर तो कैरेक्टर के अंदर सिंगल कैरेक्टर होता है तो उसकी मेमोरी साइज है वन बाइट एंड इसका भी कन्वर्जन कैरेक्टर है फर्स्ट लेटर के हिसाब से परसेंटेज सी फ्रेंड्स तो आपको ये चारों डेटा टाइप की मेमोरी साइज और कन्वर्जन कैरेक्टर याद रखने है। फिर से एक बार देख लेते हैं। लॉन्ग फ्लोट मींस परसेंटेज एल एफ एंड कैरेक्टर परसेंटेज सी तो फ्रेंड्स आज का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट को चार से पांच बार कम से कम देखिए तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में